हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। इस सीरीज के अंदर नया एपिसोड है ये, और इसमें आज हम स्पेशली बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, जो होम मेकर है हमारे यहाँ पे, जो लेडीज और जो सीनियर सिटीजन है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबका स्टार्ट करते हैं, सबके बात करना। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज हम तीन फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब वालों के ऊपर बात करेंगे कि क्यों इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। सेकंड, जो होम मेकर जो लेडीज हैं हमारे यहाँ पे, उनका हम बात करेंगे कि क्यों उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। एंड थर्ड, सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आज हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। हाँ, ये मैंने ग्रीन कलर आज थोड़ा इसको डिजाइन भी जानबूझ के मैंने कर रखा है पूरा का पूरा, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और इसको इतना सारा डिजाइन करने का एक ही पर्पस था मेरा, कि मेरा ग्रीन मार्कर यूज नहीं हो पा रहा था, मुझे जबरदस्ती उसे यूज करना ही करना था आज। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होम मेकर होता है हमारे यहाँ पे जो लेडीज हैं इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर पे रहती हैं, मदर हैं जो घर पे रहती हैं, बट कहीं ना कहीं 9 बजे से पहले उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सुबह से 4-5 बजे उठ के 9 बजे तक बच्चों को रेडी करना, खाना बनाना घर के लिए, घर की सफाई, मतलब बहुत सारा काम उनको करना पड़ता है। 5 बजे के बाद भी उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, बट कहीं ना कहीं 9 to 5 जो दिन के 8 घंटे होते हैं वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। और उस टाइम पे वो लोगों को क्या करना पड़ता है, नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग, अगर हम ये देखते हैं, सबसे पहली जो खराब चीज है जो हमारे सिस्टम में इस समय चल रही है, कि इनके पास चाह के भी एक ही ऑप्शन रहता है, क्या कि बात सीरियल देख लें। और सीरियल में भी अगर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल जो आज के रेट में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, उन सब में क्या हो रहा है, उन सब की वजह से मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी आ गई है। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर एज पर स्टडी जो लेडीज हैं, जो अगर 5 साल भी लगातार टीवी सीरीज को देख लेती हैं, टीवी सीरियल्स को देख रही हैं, और जो क्राइम पेट्रोल टाइप के जो सीरियल आते हैं इनको अगर आपने 100 एपिसोड भी देख लिए तो आपको मेंटल इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आप गूगल पे कर सकते हैं, इतनी सारी स्टडीज आ चुकी हैं जिसमें बोला गया है कि इस टाइप के सीरियल्स को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिविटी आपके अंदर एक फियर जनरेट करते हैं। और अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो आपको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं एक बार बैंगलोर से दिल्ली आया, मैं बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं दिल्ली आया MBA करने के लिए। तो उस समय मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया जो कि मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था, तो उसके घर में गया तो 4 साल बाद गया था, बिकॉज बैंगलोर में मेरे को 4 साल हो गए थे। तो जब मैं उसके घर से बाहर निकल रहा था तो उसकी मम्मी ने एक बार उसको बुलाया ऊपर और उसको बोला कि देख सुमित के साथ जा रहा है, इतने साल बाद आया है, 4 साल बाद, तो एकदम से घर पे क्यों आ गया 4 साल बाद, तो थोड़ा सोच समझ के जाइयो, कुछ खिलाए तो खाइयो मत। तो उसने मेरे को आगे ये चीज बताई, तो मैंने कहा कि क्या हो गया भाई आंटी, ऐसे क्यों होगी ना, ऐसा मतलब ये पागल वाली हर बातें क्यों कर रही है। तो उसने बोला कि भाई क्राइम पेट्रोल देख रही है, हर चीज में ऐसे करती है, छुड़वा रहा हूं तो छोड़ नहीं रही। तो आप समझ रहे हो कि कहां जा रहा है ना, मतलब ये जो 8 घंटे हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, और सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, उससे बीमारियां जनरेट हो रही हैं, दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है लोगों का। तो ये चीज हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। एक तो ये रीजन है कि इस 8 घंटे को यूज करें, और यूज कैसे करें कि क्योंकि घर भी संभालना है, तो एक ऐसी चीज जो कि आप घर पे रह के भी कर सकते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको आप इफेक्टिवली घर पे रह के कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं पैसिव इनकम। पैसा अगर मैं कहता हूं कि अगर आप पैसा कम भी कमा रहे हो, आप अपना टाइम भी यूटिलाइज कर ले रहे हो ना, और ये फालतू चीजों से बच रहे हो, तो वही बहुत ज्यादा एक तरीके से गेन हो गया। और पैसा तो एक एक्स्ट्रा गेन अलग से है जो आप यहां से अर्न कर सकते हैं काम करके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो इस एक फर्स्ट रीजन तो ये है कि क्यों करना चाहिए लेडीज को, बिकॉज लेडीज काफी अच्छा कर पाती है, लेडीज का अपना एक ग्रुप बन जाता है, वो आपस में चीजों को जल्दी प्रमोट कर सकती हैं, उनका रिव्यू ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए सोसाइटी के अंदर तो वो बहुत इजीली इन सब चीजों को प्रमोट कर सकती हैं। दूसरा दोस्तों, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्यों मुझे लगता है कि इनको काम हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो रीजन है बी, आपको पता है 8 घंटे एक दिन में हमारे यहाँ पे लेडीज वेस्ट कर रही है टाइम, आपको पता होगा, वो चाह के नहीं कर रही, वो काम करना चाहती है बट उन्हें सोसाइटी कुछ दे नहीं पा रही, उनको क्या दे, जॉब हम यूथ के लिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम कहां से क्रिएट करेंगे, और उनको घर संभालना है, उनकी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो वो निभा रही है, उसके साथ वो क्या करें,
तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकती हैं, बट 8 घंटे जब वो एक दिन के वेस्ट कर रही हैं, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर 131 करोड़ लोगों के अंदर 35 करोड़ ऐसी लेडीज हैं जो घर के अंदर रहती हैं 9 to 5, आप समझ रहे हैं, मतलब 35 करोड़ लेडीज 8 घंटा एक दिन का वेस्ट कर रही है टीवी सीरियल देखते हुए या बातें करते हुए, मतलब एक तरीके से आपस में झुंड बनाया, बातें किया एक इस तरीके से, जो हो जाता है 35 करोड़ इंटू 8 घंटे एक दिन के, जो हो जाता है 280 करोड़ घंटे एक दिन के वेस्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया के। आप समझ रहे, ये 8 घंटे वेस्ट नहीं हो रहे किसी एक लेडी के, वो काम करना चाहती है आप उसे काम नहीं दे रहे हो, और उसे काम नहीं मिल रहा है इसकी वजह से वो एक दिन, उसका एक दिन का 8 घंटा उसका कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाता, वेस्ट हो जा रहा है, और ऐसा 35 करोड़ लेडीज एक दिन में वेस्ट कर रही है, तो ये हो जाता है 280 करोड़ घंटे पर डे इस देश का वेस्ट जा रहा है। इतनी बड़ी वर्क फोर्स, इतना बड़ा टाइम हमारे यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है, उसकी हम उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और फिर हम बोलते हैं कि हमारा देश डेवलप नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको पता है जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ये कितना है, हमारे यहाँ पे लेडीज आइडल रह के सीरियल देखते देखते एक दिन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जितना जापान एक महीने में काम करता है। हमारे यहाँ 35 करोड़ लेडीज एक दिन में 280 करोड़ घंटे टाइम वेस्ट कर देती है, जापान एक महीने में सिर्फ 280 करोड़ घंटे काम करता है, पूरा जापान मिलकर एक महीने के अंदर, और सिर्फ इतना काम करके वो एक डेवलप्ड कंट्री है आज के डेट में, और इतना तो हमारे यहाँ पे एक दिन में वेस्ट कर दिया जाता है। तो सोच रहे हो कि हमारे को हमारी जो ये लेडीज की जो वर्कफोर्स है, 35 करोड़ लेडीज की वर्कफोर्स, ये हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे अच्छी चीज क्या है, हर लेडी काम करना चाहती है बट कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है इन्हें सोसाइटी से। तो मुझे लगता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग अगर एक अच्छे तरीके से एजुकेट करके समझाया जाए तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन लोगों को कुछ कंस्ट्रक्टिव दे सके। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अगर हम बात करें तो कोई ऐसा होम बेस्ड बिजनेस ये कर सकते हैं, तो मतलब अगर जीरो इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों पे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब वालों की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब आप लग की लग जाती है, फिर बंदा रिटायर होता है एक टाइम पे, रिटायर होने के बाद फिर आपने देखा होगा ज्यादातर रिटायर लोग स्पेशली एमवे में मैंने बहुत बार देखा है, रीजन नहीं मेरे को पता क्या है, मैं एसबीआई से रिटायर हूं, मैं सिंडिकेट बैंक से रिटायर हूं, और मैंने आज एमवे ज्वाइन किया है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हो, इतने साल आपने 10 घंटे काम किया, एकदम से घर पे आइडल तो बैठ नहीं पाते, फिर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, फिर आप क्या करते हो, ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम स्टार्ट। तब आपने ज्वाइन किया स्टार्टिंग से, जब आपको तब करना ही है स्टार्टिंग से, तो क्यों ना स्टार्टिंग में कर लो, व्हाई नॉट वर्क आफ्टर रिटायरमेंट बट ज्वाइन टुडे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही काम करो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपके अभी भी गवर्नमेंट में जॉब लगी है, तो आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करो जिसके अंदर रिपर्चेजिंग ना हो, जिसके अंदर एक बार सीट लो और वो हमेशा आपकी रहे, लाइफ टाइम के लिए आपकी सीट हो जाए, वो ऐसी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप ज्वाइन करके भूल जाओ, छोड़ दो, आप बोलो कि ठीक है मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, मैं इसका प्रोडक्ट एंजॉय कर रहा हूं और अब मैं इसको भूल गया हूं। जब आप रिटायर हो तब आपने देखा कि यार, तब डेफिनेट सी बात, अगर वो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो आपके एक तरफ तो बहुत ज्यादा काम हो चुका होगा, बहुत अच्छा काम हो चुका होगा, फिर आप उस समय दूसरी तरफ काम करना स्टार्ट करो और आप अर्न करना स्टार्ट करो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बहुत बेटर पोजीशन में होगे, क्योंकि आपका 10 साल 20 साल 30 साल जो भी होगा आपका, जो आपने जो सीट, वो एक तरीके की आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आपने एक प्लॉट खरीद लिया और 30 साल बाद आप आके उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आप किसी अच्छी कंपनी में सीट लेके छोड़ दो, जब आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी हेडेक खत्म होगी कि आपके साथ हो सकता है लाखों की टीम हो एक तरफ, जस्ट दूसरी तरफ आप काम करोगे और आधा काम करके आप बहुत ज्यादा रिजल्ट उस समय ले पा रहे होगे। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को इसलिए करना चाहिए कि बाद में करना है तो अभी कर लो, लेके रख लो, ये आपसे कोई टाइम कमिटमेंट तो मांग नहीं रहा, बाद में कर लेना, बट ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें रीपर्चेज वगैरह का ज्यादा टेंशन ना हो, सो डेट कि आप टोटली अपनी जॉब पे फोकस कर सके। होम मेकर को इन दो रीजन की वजह से, सो डेट उनकी हेल्थ सही रह सके, दूसरा हमारी कंट्री का इतना सारा टाइम जो डेली वेस्ट होता है ये यूटिलाइज जा सके जिससे हमारी कंट्री ग्रो कर सके। दोस्तों तीसरा रहेगा सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे एक क्या रहता है, जो भी 60 साल के हो जाते हैं उनको हम रिटायर हो जाते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाते हैं, प्राइवेट जॉब जो भी होता है 60 साल में नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं। जैसे ही वो 60 साल में लोग रिटायर होते हैं, सिर्फ अगले 15 साल के अंदर 75 प्लस की एज तक पहुंचते ऑन एन एवरेज एक सीनियर सिटीजन को इंडिया के अंदर 5 प्रॉब्लम हो जाती है रिलेटेड टू हेल्थ। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, व्हाई ये 5 प्रॉब्लम क्यों होती है रिलेटेड टू हेल्थ, नो वर्क, कोई काम ही नहीं कर रहे, 60 साल तक इतना सारा काम किया, 60 साल के बाद कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया,
और घर पे बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहे, कर क्या रहे हैं? अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में तो लोग क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को हमने कह रहा है 60 के बाद एक कमरे में बैठ जाओ, ताश खेलो या आशीर्वाद दो। यार आप खुद सोचो, अगले कोई 15 साल किसी को, आपको आज मैं बोल दूं कि अगले 10 साल आपको एक कमरे में रहना है, काम कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, किसी से ज्यादा मिलना नहीं, अपने कमरे में रहो, आशीर्वाद देते रहो, ताश खेलते रहो, तो जवान आदमी बीमार हो जाएगा 15 साल के अंदर, उसको पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो। और यहाँ पे तो फिजिकल एक्टिविटी, हाँ ज्यादा मैकेनिकल वर्क ना हो बट नॉर्मल काम चलता रहना चाहिए, ब्रेन चलता रहना चाहिए, बॉडी चलती रहनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, 75 के बाद 5 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कोई वर्क नहीं करते। वर्क क्यों नहीं करते? तो वर्क कुछ तो करते होंगे, क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं सीनियर सिटीजन। क्यों ये सिचुएशन क्यों आ गई हमारे इंडिया के अंदर, इसका भी रीजन है नो जॉब्स। हमारे इंडिया के अंदर हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज की है, यहाँ पे पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं, जरूरत है 20 करोड़ लोगों की, 20 से 30 करोड़ लोगों की हार्डली, और हम हैं 131 करोड़ लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से आ गई है, इंसानों की नीड खत्म होती जा रही है, जवान लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब क्रिएट कर नहीं पा रही है। सुषमा स्वराज जी ने दो अभी एक साल पहले क्या बोला, हमारे इंडिया के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट है कि हमारे इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोग 27 साल से कम उम्र के हैं। बट मैं बोलता हूं दोस्तों आपको कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर इस इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर 65 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 27 साल से कम उम्र के हैं, और आपको पता है उसके अंदर से 22 करोड़ बच्चे अगले कुछ साल के अंदर जॉब मांगने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 2 से 3 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 करोड़ का तो खुद बोल रही है वो, क्रिएट तो शायद 1 करोड़ भी ना कर पाए, तो कहां जाएंगे वो 16, 17, 18 करोड़ बच्चे। तो आप समझ रहे हैं, तो यूथ के लिए तो जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है, बुजुर्गों को कौन जॉब देगा, तो इसलिए इनको जॉब भी नहीं हो पाती। जब कोई जॉब देता नहीं है तो मजबूरी है, मजबूरी में क्या है, टाइम पास तो करना है, ताश खेल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि सो ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। अगर आप ध्यान से देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह से लोगों की नीड खत्म कर रही है, बट डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां खतरा नहीं है। नो एज लिमिट, जॉब्स में एज लिमिट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को वेलकम करती है, आप 100 साल के भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं आपको, आप काम कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई फिजिकल वर्क नहीं होता ज्यादा, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर सकते, वो शायद एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम नहीं कर सकते, बट 2 घंटे भी काम करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, पैसे के लिए नहीं, पैसा उनने कमा लिया था, ज्यादातर तो सिर्फ इसलिए भी काम कर लेंगे कि यार उनको काम मिल गया, सो डेट वो बोर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों और इन लोगों को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, इनको एज लिमिट नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं होता तो इनको इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए। और जो हमारे गवर्नमेंट जॉब इंप्लॉय हैं, जो हमारी जो यहाँ पे होम मेकर हैं, जो हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, वो और क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, वो सपोर्ट कर सकते हैं हमारे शो चैनल को ग्रो करने में, तो ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन के लिए एक और प्लस पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि क्यों उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों देखो, घर पे रह रहे हैं हाउसवाइफ या सीनियर सिटीजन, घर पे रह रहे तब तो कंफर्म ही है ना, 0 रुपए कमा रहे, कंफर्म है। मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी 0 ही कमाया, जो कमाया लोगों में उड़ा दिया, टीम में उड़ा दिया, टीम डेवलप करने में, या कम कमाया या बस, लेकिन मेहनत करे जा रहे हैं, फिर भी काम करे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, तब भी बहुत कुछ कमा लेंगे, स्टिल बेटर, इससे तो फिर भी बेटर है घर पे आइडल बैठने से, सीरियल देखने से, हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से, या यहाँ पे अपनी हेल्थ खराब करने से, तो 1000 गुना ज्यादा बेटर है कि आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो, चाहे 1 भी रुपए ना कमाओ, वो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट आप इन सब चीजों से तो बच रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो और लास्ट में दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ आपने, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आग लगा दो, इसका एक रीजन ये है कि कल मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर गया था, तो वहां पे जो एसोसिएट थे, मैंने बड़ी अच्छी चीज सुनी वहां पे, जब सेमिनार स्टार्ट हुआ मैं उनका प्लान सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज बोले कि आग लगा दो सीने में जब तक 4 लाख ना आए महीने में, तो उस कंपनी में 4 लाख की कैपिंग थी, तो मेरे को बड़ी अच्छी लाइन लगी, मैंने कहा ये चीज तो मैं भी यूज करना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आग लगा दो सीने में जब तक 50,000 सब्सक्राइबर ना हो जाए अगले महीने में, तो आप प्लीज उस चैनल को सपोर्ट करिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।